का मालिक ए। Come in, sir. Yes, come in. Sir, sir, मुझे एडमिशन चाहिए. ये रही मेरी मार्कशीट. सॉरी, तुम्हारे मार्क्स बहुत कम हैं. हम तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते. मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ सर. मेरी करियर का सवाल है. प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सॉरी, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता. हमारे कॉलेज के भी कुछ कायदे कानून हैं, कमेटी है, हमें उसको जवाब देना होता है. सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता. तुम्हारा एडमिशन होना बहुत मुश्किल है. थैंक यू सर. अरे अरे अरे, क्या हुआ? नहीं हुआ ना तुम्हारा एडमिशन? मुझे मालूम था कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा. हाँ, प्रिंसिपल साहब भी यही कह रहे थे कि मेरे परसेंटेज बहुत ही कम हैं और मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता. अरे मिल सकता है तुम्हें एडमिशन. वो एडमिशन मैं करवा सकता हूँ. हाँ, करवा सकते हैं. हाँ, मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगा. ठीक है, शाम को एडमिशन हो जाएगा. मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था. बोलो क्या लो, ये ठंडा या कुछ चाय वगैरह? नो थैंक्स, मेरे काम का क्या हुआ? माला, ये समझ लो कि तुम्हारा काम तो हो ही गया. अब रही बात इस सन की प्रिंसिपल की, अरे मेरी उड़ान तो इससे भी ऊंची है. अरे कुछ ही दिनों में मैं इसका ट्रांसफर तो करवा ही दूंगा. खैर, ये बताओ तुम्हारे इस काम के बदले तुम मुझे क्या दे सकती हो? मैं क्या दे सकती हूँ? देखो माला, सच तो ये है, ये दुनिया स्वार्थ के आधार पर चलती है. यहाँ का हर आदमी मतलबी है. बिना मतलब के कोई किसी के काम नहीं आता. समझ गई ना? मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? माला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ, और उसके साथ साथ कॉलेज के नामी प्रोफेसर के राय से तुम्हें फ्री ट्यूशन भी दिलवा दूंगा. कॉलेज की लाइब्रेरी से तुम्हें जितनी भी बुक चाहिए वो भी मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरियन हूँ. और अच्छे नंबरों से तुम्हें पास करवाने के बाद अपने अन्नदाता से कहकर तुम्हें अच्छी सी एक सरकारी नौकरी भी दिलवा दूंगा. लेकिन माला, मुझे इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. लेकिन माला,
आज तुम मेरा मूड बना दो यार। सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो है? क्या है ना माला, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चले। लेकिन सर मैं आपका मूड कैसे बनाऊंगी? अरे ये तो तुम मेरे पे छोड़ दो कि मेरा मूड कैसे बनेगा। आओ मेरे साथ। सर ये आप क्या कर रहे हैं? दीदी इतनी उदास क्यों हो? और आज तुमने खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? रत्ना तुम्हारा एडमिशन हो गया, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। लेकिन मेरे एडमिशन के लिए मेरे परसेंटेज कुछ कम पड़ रहे हैं। अगर इस बार एडमिशन नहीं हुआ तो मम्मी पापा को बहुत दुख होगा। दीदी टेंशन लेने से क्या एडमिशन हो जाएगा, पहले तुम अपना मूड ठीक करो फिर देखते हैं एडमिशन के लिए क्या हो सकता है। रत्ना तुझे तो मालूम ही है कि मैं पिछले साल फेल हो चुकी हूँ, और अगर इस साल मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओफो दीदी क्यों इतना परेशान होती हो, एडमिशन के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पतली तू कौन सा रास्ता निकालेगी, तुझे तो मालूम ही है इस कॉलेज का प्रिंसिपल कितना सख्त है। फिलहाल तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो, एक दो दिन में कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी चलो खाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तुम फिर आ गई। मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता है। लेकिन सर मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। बेबी मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारे मार्क्स बहुत कम है, तुम्हारे एडमिशन का कोई चांस नहीं है। हेलो। हाँ यस सर। जी सर। ओके सर। हाँ सर ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, लाओ अपनी फाइल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन सर। जाइए। वापस आओ वापस आओ, किसकी यादों में इस तरह खोई हुई हो? हाँ कहो माला कैसी हो तुम? ख्यालों की दुनिया से तुम बाहर आओ तब तो पता चले कि हम कैसे हैं। काश हमारे भी चमन में कोई भवरा होता तो हम भी उसके साथ गुनगुनाते, राइट? देख पराई प्रीत, हैरान ना हो, खुदा तुझे भी देगा, परेशान ना हो। क्या बात है, आज तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। हमारी खुशी का कारण है कि माला का एडमिशन हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस माला। थैंक यू। लेकिन तुम्हारे मार्क्स तो बहुत कम थे, फिर तुम्हारा एडमिशन कैसे हो गया? बस समझ लो चमत्कार हो गया। तो भाई मेरे साथ भी ये चमत्कार करवा दो ना। जरूर करवा देंगे, कल चलना मेरे साथ। अरे कल की कल देखना, अभी फिलहाल यहाँ से चलो, क्यों किसी के सपनों में खलल डालकर विलेन बनने की कोशिश कर रहे हो? ठीक कह रही है जुली, यार चलो हम चलते हैं। इसे अपने सपने में ही खोए रहने दो। लेट्स गो। पता नहीं ये संजय कहाँ रह गया, कितनी देर लगा दी। आने दो उसे, तब मजा चखाऊंगी। हेलो। अरे रुको तो सुनो, नाराज क्यों हो? आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ, आते जाते लोग मुझे घूर रहे हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और कहते हो नाराज क्यों हो? I'm sorry बाबा। अच्छा शब्द दिया ये अंग्रेजों ने, सॉरी। किसी की जान ले लो और कह दो सॉरी। अरे किरण सुनो तो, रुको रुको रुको, चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर बैठते हैं। फिर रेस्टोरेंट? आखिर ये कब तक? कितनी बार कहा है कि मुझे अपने डैडी से मिलवाओ, लेकिन हमेशा तुम बहाने बना देते हो। समझा करो किरण, सिर्फ 7-8 दिन बस। ओह फिर 7-8 दिन, फुसलाना तो कोई तुमसे सीखे। देखो आज रात में किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, वो भी डैडी के काम से, 7 दिन में लौट आऊंगा प्रॉमिस। 7 दिन? हाँ सिर्फ 7 दिन।
सात दिन कम होते हैं क्या? मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। समझा करो किरण, ये डैडी का हुक्म टाल नहीं सकता हूँ। मैं गया तो मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। लेकिन ये सात दिन तुम्हारे बिना कैसे बिताऊंगी, कभी सोचा है तुमने? समझा करो किरण, ये डैडी का हुक्म है, ना उनका हुक्म टाल सकता हूँ ना ही मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ। आई लव यू किरण। आई लव यू टू संजय। आओ आओ रे लोगों, देखो रे लोगों, कैसी है ये नारी, अरे गले में माला, कानों में झाला, गले में माला, कानों में झाला, पहन के निकली कवारी, पहन के निकली कवारी। सुन साली माँ, जाएगी कहाँ मुझको यहाँ छोड़ के, शीशे सा नाजुक दिल है हमारा, जाना ना तुम तोड़ के। आजा मेरी जान, आजा मेरी जान, आजा मेरी जान, बाहों में हर दुनिया की नजरों से तुझको छिपा लूं, तू बसी है निगाहों में। बंगला दिला तू, गाड़ी दिला तू, कहे तो दुनिया की सैर करा तू। इतनी सी बस हारज तू सुन ले, पंडित बुला तू, यहाँ रचा तू। ना जा रे, आजा आजा रे, आजा मेरी जबाहों में, हर दुनिया की नजरों से तुझको छिपा लूं, तो बसी है निकाहों में। दिल न तोड़ो, दामन न छोड़ो, दूरी हमसे यूं न मोड़ो, आजमाना है आजमाले, तेरे लिए मैं जहर भी खा लूं। मजनू मैं तेरा, राजा मैं तेरा, तेरी लगाऊं गलियों का फेरा, समझ ना आए तुझको ऐ जानम, कैसे मैं अपना तुझको बना लूं। झुका के आशिक बेचारा, हाथों में मांगे हाथ तुम्हारा, जीते जी मैं मर जाऊंगा, पाना सका कर साथ तुम्हारा। ना जा ना जा रे, आजा आजा रे, आजा मेरी जबाहों में, हर दुनिया की नजरों से तुझको छिपा लूं, तू बसी है निगाहों में। हर दुनिया की नजरों से तुझको छिपा लूं, तू बसी है निगाहों में। हर दुनिया की नजरों से तुझको छिपा लूं, तू बसी है निगाहों में। पन्नालाल जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते माला, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, ये मेरी फ्रेंड किरण है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इनको? सर, इसके परसेंटेज बहुत कम है और इसे एडमिशन चाहिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, प्लीज इसका काम भी आपको ही कराना होगा। माला, तुम तो जानती हो कि मैं कितना धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, अगर मैं किसी जरूरतमंद के काम आ सकूं
तो इससे बड़ी मेरे लिए और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? पन्नालाल जी, मैं अपने एडमिशन को लेकर बहुत परेशान हूँ। अगर आपने मेरा एडमिशन करवा दिया तो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे किरण जी, इसमें एहसान की क्या बात है? मैं तो जब रोज सुबह सोकर उठता हूँ ना, तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, मैं इसी तरह आप जैसे जरूरतमंदों के काम आता रहूँ। ओके सर, बस आप इसका एडमिशन करवा दीजिए। माला, मैं अभी अपने अन्नदाता के पास जा रहा हूँ और इनको अपने साथ में ले जाता हूँ और उनसे मिलवा देता हूँ। ये समझ लो कि इनका एडमिशन कल 100% हो गया, ठीक है? ठीक है। तुम बेफिक्र होके हॉस्टल जाओ, जाओ। ओके सर, आप इसका ध्यान रखिएगा, कोई शिकायत का मौका ना मिले। अरे तुम भी कमाल करती हो माला, जब एक बार कह दिया कि तुम अपने हॉस्टल जाओ तो जाओ, चले। ओके। हाँ हाँ। साहब आपसे मिलना चाहते हैं। पुलिस? आप इन्हें पहचानती हैं? जी हाँ, ये मेरी बड़ी बहन किरण है। कल सारी रात ये रूम पर भी नहीं आई, मैं इसकी चिंता में रात भर सो भी नहीं सकी। क्या आप जानते हैं ये इस वक्त कहाँ है? आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब सब ठीक तो है? आप आइए मेरे साथ। जरा हिम्मत से काम लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सब कैसे हो गया? इनकी लाश हमें रोड पर मिली थी। देखने से तो ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये साबित करती है कि इनका मर्डर हुआ है, और मर्डर के पहले कुछ लोगों ने इनका बलात्कार भी किया। आपका हवालदार, लाश इनके हवाले कर दो। यस सर। मिस्टर विजय, इस लड़की के बारे में मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। हाँ, ये लड़की मेरे पास आई जरूर थी, लेकिन अभी तक इसका एडमिशन नहीं हो पाया था। थैंक यू। वेलकम। ओके बाय। थैंक यू। धीरे से जाना खटिया में। अबे मंदबुद्धि, अबे कैसे सो रही है? अबे पांडे, अबे कौन है? कौन है बे? क्या बात है? अबे तुझे मालूम नहीं, इंस्पेक्टर साहब आ चुके हैं और तू एक खर्राटे मार के सो रही है। क्या कहा? इंस्पेक्टर साहब सो रहे हैं? किसके साथ? अबे मेरे बाप, इंस्पेक्टर साहब सो नहीं रहे, इंस्पेक्टर साहब आ चुके हैं। मंद बुद्धि? मंद बुद्धि? अबे उल्लू के अट्ठे, मेरा नाम मंद बुद्धि नहीं, MB पांडे है। अरे भाई, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। MB का मतलब होता है मंद बुद्धि, समझ गए? और TB का मतलब होता है तेज बुद्धि, यानी तेज बाल बहादुर, समझ गए? अबे TB का मतलब होता है TB की बीमारी। अबे तू बीमारी है, दूर हट, दूर हट, कहीं मुझे ना लग जाए। देख ले पांडे, अब बात बिगड़ जाएगी। अबे बिगड़ेगी क्या? चल। अबे वो सामने देख बिगड़ गई। लगता है मियां बीवी का आपस में लफड़ा हो गया है और हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने आ रहे हैं। चल वहाँ जाकर देखते हैं। चल। इंस्पेक्टर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब नहीं, हम तो है ना। क्या हुआ भाभी जी? लगता है भाई साहब ने फिर कोई बेवकूफी कर दी, मुस्कुरा के। अरे भाई साहब, कौन से भाई साहब, कैसे भाई साहब, ये मेरा कोई नहीं लगता है? क्या कह रही है भाभी जी? अबे सीधा खड़ा रहे। अबे रुक। हाँ संभालो इसको। अरे भाभी जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, और ये छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती है। मैं एक बात कहता हूँ, घर की बात घर में अच्छी लगती है, चौकी में नहीं। चलो भाई साहब, भाभी जी से माफी मांगो। अरे
अरे तुम लोग क्यों नहीं समझते, ये मेरा कोई नहीं लगता है, ये मेरा कोई नहीं है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं कुंवारी हूँ। अरे ये गुंडा है, गुंडा रोज मुझे छेड़ता है, कभी सीटी बजाता है तो कभी गाना गाता है, ये आज मुझे देखते ही गाने लगा। अरे चल कहीं अकेले में, मुझे डर लगता है दुनिया के मेले में, मुझे कहता है चलने को। अच्छा तो आप अभी तक कुंवारी है मुस्कुरा के। जो मैं, तू क्या कह रहा था इनसे, चल अकेले में, तुझे डर लगता है दुनिया के मेले में, इसे ले चलता हूँ हवालात में अकेले में। नहीं साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मैं अपने रास्ते पे सीधे जा रहा था। और लड़की पे चक्कर चला रहा था। अबे पागल, लड़की को छेड़ता है वो भी अकेली देखकर, शर्म नहीं आती? अबे चल अंदर चल। ये क्या तमाशा लगा रखा है? गुड मॉर्निंग सर। सर ये गुंडा मोहाली है ना, इस खूबसूरत कन्या को छेड़ रहा था मुस्कुरा के। अबे कठो, ये तुम्हें गुंडा नजर आता है क्या? किसी लड़की को छेड़ सकता है? न जाने कब अकल आएगी तुम लोगों को। सॉरी सर। तो भागो यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों को हवालात में बंद कर दूंगा। भागो यहाँ से, चलो। अबे हम बर्बाद जवानी, बाहर जा रहे हैं। बेवकूफ कहीं के। मैं कमी सर। आइए इंस्पेक्टर आइए, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया आपने? सर जो लड़की इस हॉस्टल में रह रही थी, उसका रेप के बाद मर्डर हो चुका है, उसी के तहकीकात करने आया हूँ मैं। हाँ इंस्पेक्टर, वो खबर मैंने भी सुनी है, और वह खबर सुनने के बाद मैं बेहद परेशान हो गया। वैसे उस लड़की ने हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं ली थी, हालांकि वो लड़की आई थी एडमिशन लेने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर अब इस वारदात से हमारे कॉलेज की बदनामी हो रही है। इंस्पेक्टर आप तो जानते ही हैं कि मैं एक मशहूर पॉलिटिशियन भी हूँ, और पत्रकार और अपोजिशन वाले सवाल तो उठाएंगे उठाएंगे, और जब जनता सवाल उठाएगी तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरी आपसे दरखास्त है, आप किसी तरह से भी गुनहगारों को गिरफ्तार कीजिए, सरकार से आपको जो भी मदद चाहिए मैं आपको दिलाने के लिए तैयार हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ उस लड़की के केस से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपके पास आई हो तो। नहीं इंस्पेक्टर, अब तक तो कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके सर मैं चलता हूँ। एक मिनट, एक बात याद रखना, जल्द से जल्द उन कातिलों को हम आपकी हिरासत में देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो डैड, कैसे हैं आप? हेलो बेटे, कैसे हो तुम? कैसा रहा सफर तुम्हारा? ओह फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। मेरे काम का क्या हुआ? आज तक आपका काम कभी रुका है डैड? सभी कंप्लीट करके आया हूँ, और परसों उसकी रिपोर्ट आपके पास पहुँच जाएगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू डैड। जाओ जाके आराम करो। रामू, मेरे लिए किसी का फोन था? हाँ संजय बाबू, एक लड़की का फोन आया था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया? मैं समझ गया किसका फोन होगा। रत्ना क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संजय भैया, तुम रो क्यों रही हो? दीदी क्या हुआ? दीदी को क्या हुआ? किरण को? दीदी हम सबको छोड़कर चली गई है संजय भैया। क्या? कहाँ चली गई किरण? क्या हुआ उसे? आखिर तुम साफ साफ बताती क्यों नहीं रत्ना? क्या बात है बोलो। संजय भैया पता नहीं किन दरिंदों ने दीदी के साथ बलात्कार करके उन्हें जान से मार डाला। नहीं रत्ना ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरी किरण के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। हे भगवान, ये किस गुनाह की सजा दी है तूने मुझे? संजय भैया अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारे आंसू कौन पोछेगा? रत्ना उन दरिंदों का कुछ नाम पता मालूम हुआ? अभी तक तो नहीं। कोई बात नहीं रत्ना, आज से मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, किरण के कातिलों की तलाश। अरुण, अरुण तिवारी, सबसे जहरीला नशा जो होंठों से टपकता है। ओके
अच्छा वो मेरे नोट्स थे ना तुम्हारे पास? हाँ मैं कल ले आऊंगी। हेलो सीता सलमा सूजी, आप वो गेट तो छोड़ दूं? नो थैंक यू। ओह मैं लिफ्ट की बात कर रहा हूँ, लिफ्ट देना कोई गुनाह तो नहीं है? लेकिन हमें लिफ्ट की कोई जरूरत नहीं, हटो मेरा रास्ता छोड़ो। मैडम मुझे लिफ्ट देने का बहुत शौक है, मैं अपना शौक हर हाल में पूरा करता हूँ। एक शौक की बीमारी मुझे भी है, तुम जैसे लुच्चे लफंगों को सड़क पर जूतियों से पीटने की, कहो तो मैं अपना ये शौक पूरा करूं। बेशक बेशक आप अपना शौक पूरा कर सकती है, हमें कोई इतराज नहीं। किसी ने ठीक कहा है, मजहब इश्क में माशूक की जूतियाँ भी इश्क के काबिल। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती। अच्छा तो सीने से लग जा। कहाँ चलती लड़कियों को छेड़ता है? तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं। कहीं आपको चोट तो नहीं आई? नहीं आज तो भाग गया, लेकिन एक ना एक दिन इसे जेल की हवा जरूर खिलाऊंगा। क्या मैं आपको हॉस्टल छोड़ सकता हूँ? चलिए जी, बस आगे यहाँ रोक दीजिए। नहीं आज नहीं, फिर कभी, मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। मेरे फोटोग्राफ्स? अबे हम चोर हैं तो क्या हुआ, इंसानियत भी कुछ चीज है, समझा तू? पता नहीं कब आएगी यार। आ गई अबला, आता हूँ मैं। सुनिए मैडम, क्या कह रहे हो तुम? इसकी तो कमाल है सर जी। अरे क्या यार माथुर साहब, कहाँ है आपका गुर्गा? अमा क्यों मरे जा रहे हो यार, अरे ये उम्र में इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता यार। नमस्ते माथुर साहब। अरे माथुर खुशबू की बोतल है भाई। अरे जनाब खुशबू की बोतल नहीं, ये तो खुशबू का खजाना है। आओ पन्ना आओ, अभी तुम्हारी चर्चा हो रही थी, आओ मालिक।
ये रागिनी है, प्रिंसिपल साहब ने इसे बहुत परेशान कर रखा, इसको एडमिशन ही नहीं दे रहे। अच्छा? क्यों? क्यों प्रिंसिपल ने परेशान कर रखा है? मालिक, ये लड़की ना पढ़ने में बहुत होशियार है। अच्छा? लेकिन प्रिंसिपल साहब है ना, इसे एडमिशन ही नहीं दे रहे। क्यों परेशान कर रहा है प्रिंसिपल? क्यों लगता है माधुर साहब, आपका प्रिंसिपल इस खूबसूरत लड़की को एडमिशन देने के लिए मोटा डोनेशन मांगता है। बोलो कितना पैसा चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। माधुर साहब, पढ़ाई करने वाले की हम भी मददगार हैं। बोलो कितना चाहिए, दे देते। अरे अरे भाई, सवाल रुपयों का नहीं है, सवाल है उस सदकी प्रिंसिपल के उसूलों का। अच्छा? अरे कॉलेज के कायदे कानून से एक इंच पीछे नहीं हटता। सच्चाई में हरिश्चंद्र से चार कदम आगे चल रहे हैं हमारे प्रिंसिपल साहब। मैं तो बहुत तंग आ चुका हूँ उस प्रिंसिपल से। अरे कुछ ख्याल ही नहीं यार, इन बच्चों के करियर का ख्याल नहीं, इनके फ्यूचर का ख्याल नहीं, ये बर्बाद हो जाएंगे ना। चलो दोस्तों, हम मिलजुल के इस लड़की का एडमिशन कराएंगे। मुनीर भी करके एडमिशन करा देते, तो फिक्र मत करना, एडमिशन हम करा देंगे। जाओ इनके लिए चाय लेके आओ। जाओ चाय। चाय क्यों भाई? कोल्ड ड्रिंक। ये रहा कोल्ड ड्रिंक। पियो पियो। अरे पियो ना, पी लो। मीठा है ना, मीठा है ना, कोल्ड ड्रिंक पी जा। हाय 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 हाय। कमाल लंगड़ाई है। तन बदन में आग लगी, तन बदन में आग लगी। क्या बात है, क्या डाल के लाया गुर्गे? वाह वाह, काम हो गया। चलो चले, चलो 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 चलो। मैं भी चला। वाओ लवली, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाओ लवली, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। Thank you.
एडमिशन हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके ओके यस ओके। तुम एकदम कमीने और घटिया इंसान हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करके आऊंगी। पुलिस स्टेशन जाने से पहले जरा इसे देख लो मेरी जान। देखा तुमने, पुलिस स्टेशन जाओगी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि इन तस्वीरों में तुम अपने कपड़े खुद उतार रही हो। अब तुम सोच लो कि तुम्हें कॉलेज जाना है या पुलिस स्टेशन। अब तुम सोच लो कि तुम्हें कॉलेज जाना है या पुलिस स्टेशन। लड़कियों की तस्वीरें डैडी के गोदाम की सेफ में, ताज्जुब की बात है। मैं तो आज तक डैडी को एक नेक इंसान और समाज सेवक समझता रहा, अब मुझे इस बात का खुलासा करना ही पड़ेगा। किरण की हत्या और बलात्कार आखिर किसका हाथ हो सकता है? और फिर डैडी के गोदाम वाली सेफ में इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें, इसका राज क्या है? किसे मिलो, उसे मिलो, किसे मिलो, जाओ वहां दे दू दे दू दे दू, किसे अपना दिल जमा। किसे मिलो, उसे मिलो, किसे मिलो, जाओ वहां दे दू दे दू दे दू, किसे अपना दिल जमा। देना है, 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 किसको दू, उसको दू, किसको दू, दिल मेरा मेरा। किसको दूँ, किसको दूँ।
कोई तो मिले जो मुझे अपना बना ले यार। सोचता इतना क्यों जीवन के दिन चार। आजा आजा जाने मन जल रहा ये बदन, कैसे बुझेगी जल दिल की ये जलन। आजा आजा जाने मन जल रहा ये बदन, कैसे बुझेगी जल दिल की ये जलन। आगे बढ़ने लगी क्या कहूँ कैसे कहो दर्द ये कैसे सो बिना दिए मैं कैसे रहूँ। क्या कहूँ कैसे कहो दर्द ये कैसे सो बिना दिए मैं कैसे रहूँ। इसको दो उसको दो इसको दो दिल मेरा इतना बेताब है दिल कहना न मान मेरा आज तो छमिया ने दिल खुश कर दिया यार। ओह माय गॉड। धंधा कितना हुआ यार? अरे चिल्लर कौन गिनेगा यार, मेरी छमिया आने वाली थी आई नहीं यार। हैं? छमिया इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए? ये तो सुधर गई भाई। जो छमिया जिंदाबाद। इस लाश के हर एंगल से फोटोग्राफ ले लो। और पांडे यस सर, यहाँ रखी हर चीज के फिंगरप्रिंट्स ले लो। सर अभी ले लेता हूँ मुस्कुरा के। शट अप। इस लाश को सील करके पंचनामा तैयार करो। जी। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ए फोटोग्राफर मेरी भी एक फोटो ले ले मुस्कुरा के। अरे अरे राय साहब मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये ससुरी आदमखोर डायन कहां से अटपकी? अरे देखा फिर अरुण वो चौधरी साहब को कितनी भयानक मौत मारा है, कहीं उसकी नजर हम लोगों पर तो नहीं है ना? क्या बकवास करता है पन्ना? अरे ये कत्ल किसी आदमी ने किया है और पुलिस को गुमराह करने के लिए लिख दिया आदमखोर डायन, बस और क्या। सवाल ये नहीं है तिवारी कि कातिल आदमी है या औरत, सवाल ये है कि कातिल है कौन और कत्ल की वजह क्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कातिल कौन है और कत्ल करने की वजह क्या है। हाँ। मेरी जानकारी में राय साहब पिछले दिनों चौधरी का किसी के साथ लेन देन की वजह से झगड़ा भी नहीं हुआ था। भाई मुझे तो सबसे ज्यादा ये पांच नंबर खटक रहा है। पांच नंबर? चिंता की बात तो है पन्ना, इस पांच नंबर ने तो हमें भी बहुत चिंता में डाल दिया है। अरे भाई जितनी चिंता करोगे उतनी चिंता बढ़ती जाएगी। मैं इन भूत प्रेतों को नहीं मानता, वैसे भी दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज है ही नहीं, बकवास है कमबख्त। अरुण भाई जरा अन्नदाता को फोन तो लगाओ और उनसे पूछो कि इस बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। अरे वो भी यकीन नहीं करते होंगे यार। अरुण एक बार पूछो तो सही। ठीक है पूछता हूँ। हेलो हेलो सर, मैं अरुण बोल रहा हूँ।
हाँ बोलो तिवारी, क्या प्रॉब्लम है? सर आपने इस आदमखोर डायन के बारे में कुछ सोचा? अरे क्या बकवास कर रहे हो यार तिवारी, आज के सुबह ग्यारह क्योंकि मैं तुम ऐसी बात पर विश्वास करते हो? अरे ये भूत प्रेत डायन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब काल्पनिक है, दुनिया में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरे यार ये तो सब तांत्रिक मांत्रिक बाबाओं का अपना धंधा चलाने के लिए उड़ाई गई अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ चल, सब डरपोक एक नंबर के। अरुण मैं हूँ पन्ना। क्या बोले ना दादा? वही कह रहे हैं, उनको इन बात पर यकीन नहीं है। उनके ख्याल में चौधरी का कत्ल किसी आदमी ने किया है, डायन ने नहीं। वो सही कह रहे हैं अरुण, चौधरी का कातिल कोई बहुत ही तेज दिमाग वाला आदमी है जिसने डायन का ढोंग करके हम सबको चक्कर में डाल दिया। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, जब हुआ? अरे यार टीवी। अरे भाई पांडे, मेरा नाम टीवी नहीं, मेरा नाम तेज बहादुर है, तेज बहादुर। हाँ हाँ तेज बांदर, नहीं 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 तेज बहादुर। यार एक काम कर, मुझे जल्दी से एक बीड़ी पिला दे इससे पहले कि इंस्पेक्टर साहब आ जाए। बीड़ी पिला दे? अबे क्यों पिला दूं बीड़ी, क्या तुझे पगार नहीं मिलती क्या? पगार तो मिलती है लेकिन इतनी कम, बड़ी मुश्किल से घर की दाल रोटी पूरी होती है, बीड़ी कहाँ से पीऊं? बीड़ी कहाँ से पीऊं? अच्छा ये बता, कल मैंने तुझे 100 का नोट दिया था, उसका क्या किया? वो मैंने क्या किया? वो मैंने क्या किया? दे दिया होगा अपनी लच्छू रानी को, ले मेरी रानी। अरे यार एक बात बताऊं, वो लच्छू रानी है ना? हाँ। तेरे बारे में पूछ रही थी मुस्कुरा के। ले भाई क्या कह रही थी, क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही थी, टीवी भैया राखी बंधवाने कब आ रहे हैं? माचिस कहाँ गई? अबे माचिस तो दे। अबे पांडे के बच्चे, तूने मुझे बीड़ी के चक्कर में उल्लू बनाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। किसे नहीं छोड़ोगे बहादुर? सर जी वो क्या है, मैं बीड़ी पीना छोड़ दिया था ना। सर मैंने इसे बहुत समझाया, ये बीड़ी बड़ी गंदी चीज है, इसे मत पिया कर, ये ले। चलो अच्छा इसकी समझ में आ गया कि बीड़ी पीना बुरी बात है। क्यों पांडे तुम बीड़ी नहीं पीते? सर कभी नहीं, मेरे खानदान में कोई बीड़ी नहीं पीता, तो मैं कैसे पीऊंगा? सर जी देखा देखा, बीड़ी पीने का नतीजा। सर मैंने इसको कितनी बार समझाया, ये बीड़ी बड़ी गंदी चीज है, इसको पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। वो कैसे? क्योंकि वो जवानी में ही ऊपर चला जाता है मुस्कुरा के। शट अप, चलो अंदर चलो, बहुत जरूरी बात करनी, चलो। ओके सर। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। यस सर। और सोच समझ कर जवाब देना। जी। कल मैंने धर्म चौधरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। जी। तुम दोनों ने लाश देखी है? जी। और रिपोर्ट भी पढ़ी? जी। तुम दोनों बताओ कातिल कौन है? सर मुझे 18 साल हो गए हैं पुलिस की वर्दी में बीन बजाते हुए, मैं तो लाश को देखते ही समझ गया था कि कातिल कौन है। अच्छा कौन है? सर वही आदमखोर डायन मुस्कुरा के। सॉरी सर। 18 साल हो गए नौकरी करते, क्यों तेज बहादुर तुम्हारा क्या ख्याल है? सर जी मेरा ख्याल ये है कि मैं इनसे 2 साल जूनियर हूँ, और मेरे दादाजी कमिश्नर थे, मेरे पिताजी इंस्पेक्टर थे, और आज मैं हवलदार हूँ। मैंने तो पहले कह दिया था आदमखोर डायन कातिल नहीं है, कातिल कोई और है। अच्छा तो फिर कातिल कौन है? सर जी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आदमखोर डायन कातिल नहीं, कातिल भूतनी है, भूतनी। अच्छा तुम बताओ दोनों में क्या फर्क है? सर दोनों में इतना ही फर्क है जितना गधे में और घोड़े में मुस्कुरा के। Shut up and get out from here. Sorry, sir. आदमखोर डायन आखिर क्या बना है? समझ में नहीं आ रहा। हमरी दीदी की है सरकार कि चीचा पानी भरे, दीदी की है सरकार कि चीचा पानी भरे। अरे कोई नहीं आ रहा रे। अरे वो हवलदार ही आ जाता।
आए हाय, न जाने इसे देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। लच्छो जी, हो गया? कैसी बातें करते हो? अभी तो हमें शादी भी नहीं हुई है, अभी कैसे हो जाएगा? आए हाय, क्या अदा क्या जलवे तेरे लच्छो। अरे लच्छा जी, मैं वो नहीं पूछ रहा जो आप समझ रही हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ मेरे कपड़े हो गए क्या? वो तो कब ही के हो गए? फिर दे दो ना मेरे कपड़े मुस्कुरा के। तो फिर तुम भी दे दो ना मेरे पैसे मुस्कुरा के। अरे हम पुलिस वाले हैं, दिल वाले हैं, तुम्हारे पैसे लेकर मैं भाग थोड़े ही जाऊंगा। पुलिस वाले हो इसीलिए तो कोनो भरोसा नहीं है। लच्छो जी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरे बाप का नाम भरोसे लाल है। लच्छो जी, मैंने आपको दिल दिया है, आपका बिल ही चुकाऊंगा। जल्दी से बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए मुस्कुरा के? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपए 10 कपड़ों के? देखो जी, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मेरे दुकान पर मत आना। अरे रे 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 रे, अगर तुम मुझसे रूठ गई तो मुझसे रब रूठ जाएगा। और तुम्हारे आगे पैसे क्या चीज है? जल्दी से बताओ तुम्हारे कितने पैसे हैं? अरे कहाँ गए, किधर गए? मिल गए। अरे तुमने तो पूरे के पूरे ले लिए 500। अब एक काम करो, अब मुझे भी साथ रख लो। वो मैं बाद में सोचूं, तुम्हारे जो पैसे हैं वो मेरे ही तो हैं। और सुनो, जाओ वो कपड़े लेके जाओ। जाऊं? सच में जाऊं? जाओ ना। जाता हूँ, जाता हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं। अब जब दोबारा पगार मिलेगी ना, तब ही यहाँ आना। आऊंगा, जरूर आऊंगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। क्या उस्ताद, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, 10 दिनों से बोनी नहीं हुई और पेट में चूहे अलग दौड़ रहे हैं। अरे मेरे प्यारे प्यारे झिंगा, अब यार थोड़ा सा सबर कर, समझा क्या? कजरा मोहब्बत वाला अखियन में ऐसा डाला। अब तो चिंता मत कर, मैं तेरी अच्छी बोनी कराता तुन्ना तुन्ना। अबे तेरे को खाना खिलाता, आओ आ। चुन्ना चुन्ना आ। लच्छो ने ले ली मेरी जान, हाय मैं तेरे लच्छो ने ले ली मेरी जान, दीदी है बड़ा परेशान। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मुस्कुरा के क्या कहा? नमस्ते सर। सर जी, मैंने अभी अभी इस मकान के पीछे चोर को जाते देखा, अगर आप उसे पकड़ लेंगे ना तो कसम खुदा कि आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, टीवी मुझे सर कहेगा, लच्छो मेरे गले से लिपट जाएगी। सर, क्या सोचने लगे सर? मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा। पकड़िए सर। सर जी, आप चोर को पकड़ोगे कैसे? कपड़े तो आपके हाथ में, लाइए ये कपड़े मुझे दे दीजिए, आप जाके चोर को पकड़ो, मैं यही खड़ा हूँ घंटी बजा के। यही ठहरो। ओ, अबे बच गई मोटी घंटी, चढ़ जा चले मेरी पीठ पर, अरे जोर से पकड़ लेना, पकड़ लेना। क्या बताऊं, मैंने मकान के पीछे चप्पा चप्पा जान मारा मगर कोई चोर नहीं मिला, एक गधा मिला उसने भी धरती मार दी। ये मोर कहाँ गए? चोर भी नहीं मोर भी नहीं। अरे अब क्या होगा, ना मेरे पास कपड़े है ना पैसे, ड्यूटी पर कैसे जाऊं? अरे अब क्या करूं? ये क्या हुआ, कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी दीदी के कातिलों का कुछ पता चला? अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं किरण के हत्यारों को जरूर गिरफ्तार कर लूंगा। जी, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये आपका फर्ज बनता है, लेकिन क्या आप एक दोस्त का फर्ज भी निभाना चाहेंगे? क्यों नहीं, इंसानियत के जितने भी फर्ज होते हैं वो मैं निभाऊंगा। किरण दीदी की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं? जरूर दूंगा,
आज से तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो। उस्ताद, उस्ताद, आप मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता उस्ताद। और इन कपड़ों का क्या करेंगे? मुझे तो भूख लगी है, मेरे खाने का इंतजाम करो उस्ताद, प्लीज, प्लीज। आओ, अबे मेरे पैर पर नाने झिंगे, थोड़ा सफर तो कर जरा। अब देख, देख, देख सामने एक नया बकरा आ रहा है। किसी डिस्को में जाए, डिंग डिंग, किसी होटल में खाए, डुंग डुंग। इन्हीं कपड़ों से इस बकरे को हलाल करूंगा। अब फिर मैं तुझे गरम गरम भेलपुरी और हलवा पूरी खिलाऊंगा। आओ। लच्छू के घर जाए हम, कपड़े लेकर आए हम। हीरो साहेब, नमस्ते, नमस्ते हीरो साहेब। हीरो साहेब, नमस्ते, पर हम नहीं समझते। नमस्ते सर जी, नमस्ते, नमस्ते। इतने तेजी से आप कहाँ जा रहे थे घंटे बजा के? अरे कपड़े लेने जा रहे हो, परे सब तू क्यों पूछ रही है? सर जी, लच्छू ने कहा था हवलदार साहब को दे देना कपड़े घंटे बजा के। लच्छू ने कहा था, पर हम दोनों हवलदार के कपड़े तो लच्छू के यहाँ जाते हैं। पर सर जी, लच्छू ने कहा था जो हवलदार हीरो जैसा लगता हो उसको दे देना घंटे बजा के। सर, हीरो साहब, अबे लाओ मेरे कपड़े। लाओ, टनाटन, 200 रुपए। अबे किस बात के 200 रुपए? आ है है, तुम्हारी लच्छू ने कहा था 200 रुपए ले लेना। लच्छू ने कहा? हीरो साहब, इधर इधर हीरो साहब। अबे तबे भिखारी, ये ले। अबे मेरे पैर पर छिंगो, मेरे तेरे लिए ऐसे बकरे फंसते रहे, मैं तुझे रोज होटल में खाना खिलाता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। अरे मेरे पांडे, अबे कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तू इतनी देर से आ रहा है? ये तो बता, तेरी वर्दी कहाँ है? अरे ओ टीवी, क्या बताऊँ वर्दी क्या, मेरे सारे कपड़े दो ठगों ने ठग लिए। मैं आ रहा था अपनी प्यारी प्यारी लच्छो के पास से और वो मेरे 9 कपड़े लेकर 9 से 11 हो गए। अरे मेरे सीनियर हवलदार, दो ठगों ने तुझे ठग लिया है और तू ठग कर आ गया। अरे जनता की सेवा तू क्या खा करेगा? अबे ये कपड़े तो मेरे हैं, तेरे पास कहाँ से है? होता है अक्सर ऐसा ही होता है। एक तो बुद्धि कम, ऊपर से कपड़े जाने का गम। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो वो भी पागल हो जाता, जैसे तू हो गया है मेरे कपड़े देखकर। अबे लबू चुन्ने, पागल मैं नहीं, तू हो गया है। बता, ये वर्दी तेरी है, ये पैंट तेरी है, ये कपड़े भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं और ये भी मेरे हैं। मेरे यार पांडे, वैसे तो ये कपड़े तुम्हारे हैं, पर मेरे कपड़े। पहले तू मुझे ये बता, ये कपड़े तेरे पास आए कैसे? मेरे पास? अरे मैं अपने कपड़े लेने जा रहा था, रास्ते में मुझे एक लंबू और टिंगू मिला। उसने बोला साहब ये तुम्हारे कपड़े हैं। मैंने कपड़े ले लिए और उसे 200 रुपए दे दिए। क्या कहा, तुमने 200 रुपए दे दिए मुस्कुरा के? अबे ओ टीवी, अबे ओ अकल के दुश्मन, अबे ओ लबू जुन्ने, तेरी बुद्धि है छोटी और नीयत है खोटी। अरे ये वही दोनों ठग थे जिन्होंने मुझे ठगा था, अब वो तेरे 200 रुपए ठग कर ले गए।
ये लोग तो भूत प्रेत डायन को तो मानते ही नहीं है, कम से कम हम लोग तो मानते हैं ना। देखो भाई, मानते तो हम लोग भी हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। देखिए राय साहब, जान है तो जहान है, हमें पुलिस का आसरा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान होता तो पुलिस कुछ कर भी सकती थी। इस आदमखोर डायन का पुलिस क्या कर सकती है, हमें किसी तांत्रिक का सहारा लेना चाहिए। तुम ठीक कहते हो पन्ना, हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। तुम किसी अच्छे से तांत्रिक की तलाश करो, हम चलेंगे उसके पास। ठीक है राय साहब, मैं किसी अच्छे तांत्रिक की तलाश करके आपको खबर करूंगा। ठीक है, चलता हूं। आइडिया आ गया। आओ अबे झंगे, अबको तेरे समझ में आया घंटी बजा के? समझ गया उस्ताद, बिल्कुल समझ गया। अब समझ गया घंटी बजा के, तो चल जल्दी से। तांत्रिक बाबा की जय हो, तांत्रिक बाबा की जय हो। अलख निरंजन। महाराज महाराज मुझे बचा लो, छोटे से बच्चे को छोड़कर मेरी बीवी मायके चली गई है। मैं जब भी उसको लेने ससुराल जाता हूँ, ससुराल वाले मुझे मार के भगा देते हैं। महाराज मुझे बचा लो महाराज। अच्छा, ये धागा बाएं हाथ में बांध ले, तेरी बीवी खुद ब खुद धागे साथ में खींची चली आएगी। केला झिंगे, अलख निरंजन, जय हो बाबा, जय हो महाराज, जय हो। महाराज मेरा प्रेमी किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया, इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कल्याण कीजिए महाराज। अलख निरंजन, पुत्री ये धागा बाएं हाथ में बांध ले, तेरा प्रेमी खुद ब खुद धागे के साथ में खिंचा चला आएगा। 21 रुपए डाल दे झिंगू की झोली में, अलख निरंजन। निरंजन, अरे यार बाबा आजकल मेरा धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, कोई माटी मिला पैसा ही नहीं देता, बड़ा दुख के दिन काटे हुए बाबा। कुछ ऐसा कर कि मेरा धंधा भी चल पड़े, हिरड़े की दुआ से तेरा भी धंधा चलेगा रे, कुछ करना रे। बेटा झिंगू ना। हाँ उस्ताद। उस्ताद ने बाबा बोल, बाबा 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 एक काम करो, 100 रुपया उसके झोली में डाल दो, वरना अपना धंधा बंद करवा देगा। तू ठीक करा झिंगू, अलख निरंजन। तुम्हारे बाल बच्चे सूखे रहे बाबा, बाबा तूने तो अभी से मेरा धंधा चालू कर दिया बाबा। बाबा तेरा भी धंधा बड़े जोर से चले, मैं रोज आऊंगी। हाँ महाराज महाराज, अरे महाराज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो आदमखोर डायन मार लेगी महाराज। दूर हट दूर हट, तू बहुत बड़ा पापी है, तूने बहुत भयंकर पाप किए हैं, तेरे पापों की कोई सीमा नहीं है, दूर हो जा। अरे नहीं महाराज ऐसा मत कहिए महाराज, अरे घर आए हुए फरियादी को मत बुलाइए महाराज, आप तो दाता है अंतर्यामी है, वो आदमखोर डायन मुझे मार डालेगी। बाबा के झोले में 1000 रुपया डाल, तेरी मुसीबत दूर हो जाएगी। अलग निरंजन, 1000 रुपया, 1000 रुपया अभी देता हूँ। कहाँ गया? इधर, 1 2 3 क्या? लीजिए, लीजिए। अबे झिंगू देख तो पूरा है ना? हाँ, पूरे। अलग निरंजन, बच्चा, ये धागा अपने गले में बांध ले, जब तक ये धागा तेरे गले में बंधा रहेगा, तब तक तू डायन से बचा रहेगा। ले ले, बच्चा। अरे 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 महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अलख निरंजन, महाराज अधिराज कविराज पृथ्वीराज दुखी राज वगैरह वगैरह। जल्दी से निकल लो। हाँ, तू ठीक कर रहा है। ठहरिए महाराज, मैं आपकी शरण आया हूँ। अभी ना जाओ छोड़ कर के, मेरा काम बना नहीं। बेटा जगंदर ना। महाराज लगता ये भी दुखी आत्मा है। हाँ महाराज, इसका दुख का हम निवारण कर देते हैं। बेटा बताओ क्या दुख है तुमको? महाराज मेरा एक लड़की के साथ प्यार का चक्कर है, उसके प्यार ने मुझे बना दिया घनचक्कर है, मैंने अपना सब कुछ ऊपर लुटा दिया, फिर भी वो मछली की तरह मेरे हाथ से फिसल रही है मुस्कुरा के। निरंजन बच्चा, मैं तेरा सारा दुख समझ गया, तेरी सारी मुसीबत समझ गया, अब 101 रुपए निकाल, तेरा सब कुछ दूर हो जाएगा। 101?
ये लो 100 रुपया, 1 रुपया उधार। बच्चा ये धागा दाहिने हाथ में बांध ले, इस धागे के जोर से तुम्हारे पास दौड़ी चली आएगी। अलग निरंजन महाराज, मेरा सबसे बड़ा कांटा है मेरा जोड़ीदार। कोई ऐसा उपाय करिए कि वो अंधा हो जाए ताकि वो मेरी गर्लफ्रेंड को देख ही न सके। अलग निरंजन, 101 रुपया और निकालो, ये भी कष्ट दूर हो जाएगा बच्चा। 101, आज की सारी कमाई तो मैंने तुम्हें दे दी। अभी रात को सोते वक्त आँखों में ज्योति नाशक भस्म लगा लेना, तुम्हारा दोस्त जोड़ीदार अंधा हो जाएगा। अलग अंधा हो जाएगा महाराज, आज तक जितने मिले हैं स्वामी सब ने कमाई है बदनामी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा मुस्कुरा के। प्रणाम स्वामी जी। अलख निरंजन, ये तो ना बच्चा। स्वामी जी, मैंने आपको पहले कभी कहीं देखा है? सपने में देखा होगा। जो भक्त हमें चाहते हैं उसे हम सपने में दर्शन दिया करते हैं। बच्चा मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। जिस लड़की को अपनी सारी कमाई खिलाते हो वो खाती है तुम्हारा, वो तुमको उल्लू बना रही है और इश्क करती है तुम्हारे जोड़ीदार से। अलग निरंजन, मेरे जोड़ीदार से? आप तो अंतर्यामी है, सबके स्वामी है, सबका दुख दूर करते हैं। महाराज मेरा भी दुख दूर कर दो ना। बच्चा निकाल 101 रुपया, सब कष्ट दूर हो जाएगा। 101 रुपया दे देता हूँ, ये लो। अरे अबे धागा बाएं हाथ में बांध ले, तेरे सामने कोई मुसीबत नहीं आएगी। अरे बच्चा ले। महाराज कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरा जोड़ीदार है ना एक पैर से लंगड़ा हो जाए। ठीक है, 101 रुपया और निकाल, मैं किया देता हूँ। 101 रुपया और दे देता हूँ, ये लो। ये लो भस्म, रात को सोते समय पैर पे लगा लेना, तेरा जोड़ीदार लंगड़ा हो जाएगा, समझ गया? ठीक है महाराज। महाराज आपको मैंने पहले कभी कहीं देखा है? अबे यहाँ से जाता नहीं हुआ ना तेरे को लंगड़ा कर दूंगा। अलग निरंजन, जा रही हूँ महाराज, लेकिन मैंने आपको पहले बड़ा देखने वाला। आओ अब आओ माला, आओ, वेलकम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है, आज बहुत खुशबू आ रही है। तुम जैसा खूबसूरत फूल जहाँ मुस्कुरा रहा हो वहाँ खुशबू नहीं तो और क्या आएगी। चलो आओ जाने मन, थोड़ा प्यार करते हैं। नहीं, पहले मेरा सब्जेक्ट पढ़ाइए और अपना ये लेसन बाद में पढ़ाइएगा। पढ़ाऊंगा, तुम्हारा सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, पहले दिल का सब्जेक्ट तो पढ़ लो, तुम्हारे किताब का सब्जेक्ट बाद में पढ़ाऊंगा। पिछले जन्म में जरूर कुत्ते रहे होंगे आप। कैसी बातें करती हो, तुम मुझे इस जन्म में भी कुत्ता कह सकती हो। हाउ हाउ काटू, हाउ। तुम नहीं सुधरोगे। कैसे सुधर सकता हूँ, तुम जैसी लड़की सामने हो उसे देखकर कैसे सुधर सकता हूँ। क्या कर रहे हो। Ah!
पहले इन नंबरों का चक्कर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ गया है। कातिल को 5 मर्डर करने थे, जिसमें 4थे और 5वें का मर्डर हो चुका है। बाकी के 3 लोग बचे, हमें किसी भी तरह उन तक पहुंचना है और उन्हें बचाना है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुस्कुरा के। छोड़ो सर जी, तीसरे को पता बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वो कैसे? क्योंकि जो मरने वाला है वो तीसरा नंबर ही है ना। छोड़ो बेवकूफ, मैं उन्हें बचाने की बात कर रहा हूँ और तुम उनके मरने का इंतजार कर रहे हो। सॉरी सर, ये हमेशा गलती करता है, मुस्कुरा के। शट अप। अरे ऐसा कुछ नहीं होता पन्ना। माथुर साहब नमस्ते। आओ आओ तिवारी, नमस्ते। बैठो बैठो यार, आओ बैठो बैठो। अरे माथुर साहब, कब तक अपने दोस्तों की मौत का मातम मनाते रहोगे? आजकल नई कलियां भी खिलनी बंद हो गई हैं, और माथुर साहब जिंदगी में कलियों की खुशबू नहीं है, तो मजा नहीं। अरे तिवारी साहब, इस बेवकूफ को मैं यही समझा रहा हूँ, ये भूत प्रेत डायन कुछ भी नहीं है, सब काल्पनिक है, दुनिया में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये खुद डरा हुआ है और मुझे डरा के बोलता है किसी तांत्रिक के पास चले जाओ। अरे माथुर साहब, ये सब बकवास है। आप तांत्रिक के पास जाके क्या करोगे? क्या करेगा वो? अरे भाई, दुनिया में डायन वायन कुछ नहीं होता है, ये कोई इंसान है जो डायन के नाम से कत्ल कर रहा है। अरे ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, और इसलिए पुलिस पर मैंने बराबर का प्रेशर रखा है। कमिश्नर ने मुझे कहा भी है कि 2-4 दिन में कातिल का पर्दाफाश हो जाएगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अपनी टेंशन छोड़ो और काम पे लग जाओ। जी मैं कोशिश करूंगा। अरे कोशिश नहीं, काम करो यार, और कल एक नए अफसर को हाजिर करो। और एक बात याद रखो, जिस लड़के पर हाथ डालना उसे अच्छी तरह से जांच परख लेना। लड़की जितनी ज्यादा मजबूर और परेशान रहेंगी, हम उतने ही सेफ रहेंगे। समझा? जी भाई। जाओ काम करो। नमस्ते। हाँ तिवारी, चलो तुम्हारा काम निपटा देते हैं। हाँ ये माथुर साहब। चलो। रूबी, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। अच्छा, क्या सोचते हो मेरे बारे में? यही, जो काम तुमने मुझे सौंपा था, तुम्हारा वो काम तो हो ही जाएगा। मैंने प्रोफेसर राय से भी बात कर ली है, तुम्हें वो ट्यूशन फ्री में देंगे। और रूबी, तुम तो जानती हो कि लेकिन 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 क्या? तुम तो जानती हो रूबी, प्रोफेसर राय पहली बात तो किसी को जल्दी ट्यूशन पढ़ाते नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी ट्यूशन एकदम फ्री करवाऊंगा। लेकिन तुम तो अच्छी तरह समझ सकती हो, अगर कोई किसी के लिए कुछ करेगा तो उसके बदले में कुछ चाहेगा भी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? अब इतनी अनजान मत बनो। क्या तुम जानती नहीं कि एक खूबसूरत जवान लड़की से एक जवान लड़का क्या चाहता है? Shut up! शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करते हुए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? दोनों है, लेकिन तुम्हारे जैसी खूबसूरत अप्सरा मेरे घर में नहीं है। देखो, वैसे भी इस बात का तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। मैंने बहुत बड़ी भूल की कि तुम जैसे कमीने इंसान पर भरोसा किया। आज के बाद अगर मुझसे बात करने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। पन्ना। संजय बाबू, आप पन्ना, वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की? जो अभी यहाँ से गई है। अच्छा संजय बाबू, आप रूबी की बात कर रहे हैं? संजय बाबू, उसको कुछ किताबें चाहिए थी, मुझसे वो पूछने आई थी कि किताबें लाइब्रेरी में है या नहीं। मुझे बेवकूफ बना रहा है? संजय बाबू, भला मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? इनमें से किसी को पहचानते हो? नहीं संजय बाबू, मैं किसी को नहीं पहचानता। अब एक कमीने मजबूर और परेशान लड़कियों की जिंदगी से खेलता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है। अरे संजय बाबू, संजय बाबू, मैंने क्या किया? अरे अरे मैंने क्या किया? तू जानता है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तू अच्छी तरह जानता है। संजय, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। याद रखना, अगर आज के बाद किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इन नाखों को छील कौवे को खिला दूंगा, समझे? क्या बनना?
तेरे थोबड़े को क्या हो गया? मालिक, संजय बाबू ने आज मुझे बहुत मारा। आपका बेटा होने की वजह से मैंने उन पर हाथ नहीं उठाया। गंदे नारे के कीड़े, तेरी ये औकात? मेरे बेटे पर हाथ उठाने की बात तू मेरे सामने कर रहा है? मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, अपनी औकात भूल गया तू? मेरे बेटे पर हाथ ना उठा कर एहसान जता रहा है मुझ पर तू? बोल, क्यों मारा मेरे बेटे ने? बोल। मालिक, एक लड़की को मैं पटा रहा था लेकिन वो राजी नहीं हुई। उसने जाकर संजय बाबू को बता दिया। आदमखोर, मैंने तुझे पहले कहा था लड़की सोच समझ कर पटाना, किसी ऐसी लड़की का हाथ मत लगाना जो बगावत पर उतर आए। मालिक, इन्हीं लड़कियों की कुछ तस्वीरें संजय बाबू के पास है। अरे क्या बकता है तू? हाँ। वो तस्वीरें तो मेरी सेफ में थी, वो संजय के हाथ में कैसे पहुंची? मुझे नहीं मालूम। ठीक है ठीक है, मैं सिचुएशन को संभालता हूँ, तो अपने काम पे लग जा। ठीक है। संजय बेटे। हाँ? मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम कुछ खोए खोए से लगते हो, मुझसे बात भी नहीं करते, क्या बात क्या है? तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है डैड। अरे मुझसे क्यों नहीं बोला तुमने? डॉक्टर अंकल से मिले तुम? डॉक्टर अंकल से मिलने कोई जरूरत नहीं है डैड, मैं ही ठीक हो जाऊंगा। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं, लापरवाही नहीं। देखो जल्द से जल्द डॉक्टर साहब से मिल लो, ठीक है? अच्छा सुनो, वो मैंने सुना है कि तुमने उस पन्ना को बहुत मारा। पन्ना जैसे जलील इंसान को तो चांद से मार देना चाहिए डैड, वो कॉलेज की भोली वाली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या बात कर रहे हो तुम बेटे? वो कमीना इतनी गंदी हरकत कर सकता है? मैं कल ही उसे नौकरी से निकाल दूंगा। आप तो उसे कल नौकरी से निकाल देंगे डैड, लेकिन आज जो तस्वीरें मेरे पास हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो आपके गोदाम की सेफ से बरामद हुई है? इतनी गंदी तस्वीरें और मेरे सेफ में? जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये तस्वीरें मेरी सेफ में कैसे पहुंची। अब मुझे क्या पता? नहीं नहीं नहीं, जरूर उस कमीने की हरकत होगी। क्या होता है कि मैं कुछ चीजें निकालने रखने के लिए चाबी देता हूँ ना, और मुझे याद आया वो कमीना मुझे तुम्हारी नजरों में गिराना चाहता है, उसी बात का बदला लिया है उसने। पिछले महीने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई ना, इसलिए किया होगा उसने। पर तुम फिक्र मत करो, मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगा। तुम जाओ, आराम करो, ये तस्वीरें मेरे पास रहने दो। जाओ, गुड बाय। जा। आएगा? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। आएगा? तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया। यूची, तुम आ गए तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे हमारे बताने का अंदाज ही कुछ और है। तो सीधा साधा हूँ, क्यों लोग देते हैं गाली? अरे ना जाने क्यों लोग मुझे कहते हैं माँ वाली। मैं तो कुछ मांगू ना, बस मांगू थोड़ा प्यार। मैं तो कुछ मांगू ना, बस मांगू थोड़ा प्यार। जब से तुझे देखा मेरा दिल है बेकरार। मैं तो सीधा साधा हूँ, क्यों लोग देते हैं गाली? ना जाने क्यों लोग मुझे कहते हैं माँ वाली। तेरा ये नखरा अच्छा नहीं यारा लगता है। तुझको लगा लूं सीने से
अपने अच्छा यही बस लगता है। दिल में बसा के अपना बना के तुझको रखूंगा मैं सबसे छुपा के। दिल में बसा के अपना बना के तुझको रखूंगा मैं सबसे छुपा के। मैंने तो कुछ मांगा नहीं माना तेरा प्यार, जब से तुझे देखा मेरा दिल है बेकरार। ए मैं तो सीधा साधा हूँ क्यों लोग देते हैं गाली, अरे ना जाने क्यों लोग मुझे कहते हैं मावाली। गुड मॉर्निंग, क्या सोच रहे हो पांडे? सर मैं तो कुछ नहीं सोच रहा था। तेज बहादुर कहाँ है? सर वो एक प्राइवेट काम मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। आए तो उससे कहो ड्यूटी के वक्त ड्यूटी करे, समझे? सर वो हमेशा गलती करता है मुस्कुरा के। स्टूपिड, आज तो टीवी क्या काम से। आए, 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 आए। हाँ पाँव टूट गया? अरे कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हाथ में। तो फिर तुम लंगड़ा के काहे चल रहे थे? अरे लंगड़ा का दिया था, मैं तो लंगड़ा निकी एक्टिंग कर रहा था कि लंगड़े लोग बेचारे चलते कैसे हैं, ये तो चिक 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 चिक। अच्छा तो ये बात है? ये बात है। अरे मेरे कपड़े ला के दो ना। दे दे। हाय रे मेरे लल्लू, बड़ी नमकीन है, कितनी प्यारी है, बिल्कुल कवारी है, लगता है बिल्कुल मेरी है। ये लो। लाओ। ए, मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। तुम ना एकदम सलमान खान लगते हो। सलमान खान आईला, क्या बात है। एक बात बता, अगर मैं तुझे सलमान खान लगता हूँ तो उस मोटे फटे हुए पतीले से काहे को चक्कर कराती है? कौन मोटा? अरे वही मोटा मेरा जोड़ी हवलदार। अच्छा अच्छा मोटू हवलदार। अरे धैर्य पुतू, वो तो तुम्हारी दरोगा से तुम्हारे शिकायत ना कर दे तभी चक्कर में फंसाई रखती हूँ। अच्छा अब समझे बुद्धू? समझ गया। अब तुम जाओ। हाय मेरी रानी। सुनो अब जब तुम्हें अगली पगार मिलेगी ना तब तुम आना। जाओ ना जाओ। अरे रत्ना जी आप यहाँ मुस्कुरा के, अरे दिल खो जाता है जहाँ, मशूक आती है बार बार वहाँ। मैं समझ गया आप विजय साहब से मिलने आई है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा विजय साहब से मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आई, लेकिन आज विजय साहब आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, आज वो छुट्टी पर है। आप उनके घर जाइए, वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पर उनकी माता जी भी मिलेंगी, उनका भी आशीर्वाद ले लो मुस्कुरा के। नटखट लड़की। रत्ना हाय। तुम यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ अगर चोरी पकड़े जाने का डर हो तो कहो, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं यार चोरी वाली ऐसी तो कोई बात नहीं, माँ को तो एक दिन बताना ही था। अच्छा तुम आ गई। हाँ यहाँ कोई शरारत नहीं, नहीं तो माँ से शिकायत कर दूंगी। अच्छा जी, अभी माँ से मिली भी नहीं और माँ से शिकायत करने की धमकी भी देने लगी। विजय कौन है? माँ आपसे आपसे कोई मिलने आई है, आओ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी। इसे जाने दो बेटी, तुम मुझसे मिलने आई हो तो मेरी मेहमान हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं रत्ना, मैं आर्य कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ। और इस निकम्बे को कब से जानती हो? जी थोड़े दिनों से। थोड़े ही दिनों से? और थोड़े ही दिनों में इतना बड़ा फैसला कर लिया तुमने? जी फैसला वो मैंने नहीं किया, इन्होंने किया। मैंने मैंने फैसला किया? क्यों रे क्या समझा दिया इसे? जी शादी। शादी कब करेगा ये तुझसे शादी? इसे कहो अभी शादी कर ले, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। विजय मुझे बहू पसंद है। खुश रहो। मुझे रास्ते में रोके सलाम ठोक डाला, मैंने की जो आनकानी तो दारू की बोतल खोल डालो। हम डालो बोतल डालो और पियो। चीयर्स। Thank you.
खबर आदमखोर डायन ने किया तीसरा शिकार। आज की ताजा खबर आदमखोर डायन ने किया तीसरा शिकार। भाई साहब एक पेपर देना। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया। ये लो, ये पैसे लो। हाँ। आज की ताजा खबर आदमखोर डायन ने किया तीसरा शिकार। आज की ताजा खबर एक हाँ। पेपर देना। ये लीजिए। हेलो इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर विजय, क्या तुम भी यही सोच रहे हो कि जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो कोई आदमखोर डायन कर रही है? नहीं, हम ऐसा नहीं सोच रहे। हमारा कानून भूत प्रेत और डायन पे यकीन नहीं करता। तो फिर बात क्या है, वजह क्या है? तीन मर्डर हो गए, आज तक उस कातिल को पकड़ा नहीं गया। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन। देखो विजय, मुझे कोशिश नहीं, कोशिश का रिजल्ट चाहिए। पता नहीं तुम लोग किस नींद में सोए हो यार। अरे यहाँ पत्रकारों को, अपोजिशन वालों को जवाब देना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। देखो विजय, अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो बेझिझक के बोलो, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन किसी भी हालत में कातिल फौरन गिरफ्तार हो जाना चाहिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। तुम दोनों ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि सरकार तुम्हें खुश होकर इनाम दे, लेकिन आज मैं तुम्हें एक गोल्डन चांस देता हूँ। गोल्डन चांस? अगर तुम दोनों ने आदमखोर डायन का पता लगा लिया तो सरकार तुम्हें इनाम भी देगी और तरक्की भी देगी। ओके सर, हम वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर आदमखोर डायन को आपके कदमों में पेश कर देंगे मुस्कुरा के। मालिक, 5 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर मरने वाले हमारे ही साथी थे। हम 5 लोग थे और डायन ने 5 नंबर बना रखे हैं। 3 लोग तो मारे जा चुके हैं, अब हम 2 बचे हैं। अब पता नहीं किसका नंबर सबसे पहले लगेगा। मालिक अब भी वक्त है, आप किसी अच्छे तांत्रिक को मिल लीजिए, ये आपकी पुलिस वुलिस कुछ नहीं करेगी। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, तू ठीक कह रहा है। किसी तांत्रिक से मिलना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ? यार ये पुलिस के सहारे जीना कोई समझदारी की बात नहीं है। तू तो कह रहा था किसी तांत्रिक को जानता है तू? हाँ मालिक, जानता तो हूँ। तो फिर जा ना, उसे यहाँ लेकर आ। लेकिन याद रहे, किसी को इस बात का पता न चले। आप बेफिक्र है मालिक, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, जा तू, जा। ठीक है मालिक। अलग निरंजन। बाबा लखेंद्रनाथ की जय। जय जय जय। अलख निरंजन, अरे इस घर में बहुत खतरा मंडरा रहा है। अरे तू तो बहुत बड़ा पापी है रे। तेरा प्रश्न असंभव है। महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। महाराज ऐसी छोटी मोटी भूल तो सबसे हो जाती है। ये मेरे अन्नदाता है, आप इनको बचा लीजिए ना। बचा लूंगा, इसकी जान बचा लूंगा, पर तुझे अपनी जान की कीमत देनी पड़ेगी। महाराज आप जो बोलेंगे देने के लिए तैयार। 50 बल्ला 50 50 रुपए? नहीं, 50,000। 50,000? 50,000। ठीक है मैं दे दूंगा। मुझे मालूम है तू 50,000 दे देगा।
मुझे 50,000 नहीं, खाली 10,000 चाहिए बस। महाराज आप जो बोलेंगे वो देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरा काम कर दीजिए। अगर आप कहे तो आपको एडवांस में चेक दे दूं। कैश कैश बाबा लो, चेक नहीं लेते, कैश लेते हैं, कैश समझा बच्चा। ठीक है मैं कैश देता हूँ, मैं कैश लाता हूँ, आप अपना काम शुरू कीजिए, मैं आता हूँ। ये लो महाराज। धन्यवाद। बच्चा इस धागे को बांध ले, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। अलख निरंजन बाबा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। लच्छो जी, आज आपको बताना होगा आप किससे प्यार करती हैं और किसको उल्लू बनाती है मुस्कुरा के। अलख निरंजन, ये तुम दोनों को उल्लू बना रही है। अलख निरंजन। बाबा आप यहाँ? हाँ बेटा मैं यहाँ, मैंने चाहता कि तुम दोनों को उल्लू बनाए, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इसका अच्छी तरह से इलाज करूँगा। ए बाबा, तुमने क्या मुझे अपनी बात की जागीर समझ के रखी है? जब अपने साथ ले जाओगे? अरे जागीर तो है तू। अरे 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 आ जा बाबा, आ जा बाबा। अबे ये उल्लू का पट्टा कहाँ से आ टपका, मुस्कुरा गए।
कॉन्टैक्ट। अगर आपसे कोई भूल हुई हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दूंगा डैड। ये तू कैसी बात कर रहा है बेटा, तू अपने बाप को शक की नजर से देख रहा है? शक की बात नहीं है डैड, शक की बात नहीं है, मैं तो उस सच्चाई को देख रहा हूं जो दुनिया के नजर में आ रही है। आपके चार दोस्त जो उस डायन के हाथों मारे जा चुके हैं और शायद अब आपकी जान को खतरा है डैड। देखो बेटा, तुम मेरी जान की फिक्र मत करो, मुझे कोई खतरा नहीं डैड। मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था मगर आज बताने पर मजबूर हूँ। कॉलेज की जिन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है उनमें से एक आपकी बहू भी थी किरण, जो अब मर चुकी है। अब सिर्फ एक ही नंबर बचा है, ये नंबर माथुर का भी हो सकता है। अगर माथुर को बचाना है और आदमखोर डायन को पकड़ना है तो माथुर पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, यही एक रास्ता है। कि तुम भूत रहे डायन नहीं हो, एक इंसान हो। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, तुम बताओ। रत्ना, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों आदमखोर डायन भर का इतने लोगों का खून का डाला तुमने? क्यों, क्यों? विजय, मैं किरण दीदी की मौत के गम में डूबी हुई थी। एक दिन लखो झिंगिया ने मुझे बताया। हाँ, आ गई है कैसे बुलबुल।
आपके साथ बहुत अच्छे लग रहे आप तो ये ऐसे कैसे छोड़ो तुम ये मत समझना कि मैं शर्म के मारे घर बैठ जाऊंगी। मैं इसी हालत में पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम सब की असलियत पूरी दुनिया वालों को बताऊंगी। अच्छा क्यों? अरे माथुर साहब, ये लड़की अपनी जबान खोल ले, पुलिस स्टेशन जा रही। क्यों? ये तो आसान बात है, इसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दो। ठीक है, जैसे आप कहें। जरूर। माथुर साहब, जवान इसकी बंद। काम करो, रोड पे इसकी बॉडी फेंक दो, एक्सीडेंट का केस बना दो, खत्म हुई बात। माथुर साहब बेफिक्र रहिए, ऐसी गाड़ी चढ़ाऊंगा कि मामला एक्सीडेंट का ही लगेगा। हो जाएगा, चलो पीछे जाओ। उन सारी तस्वीरों को देखने के बाद मैंने एक कसम खाई कि मेरी बहन को मारने वाले गुनहगारों को मैं सजा अपने हाथों से दूंगी। और विजय, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने इंतकाम में कामयाब हो गई। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया, मैं अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार हूँ। कानून से मैं तुम्हारे लिए रहम की दरख्वास्त करूंगा। मैं तो सी
सीधा साधा हूँ, क्यों लोग देते हैं गाली? अरे ना जाने क्यों लोग मुझे कहते हैं मावली। मैं तो कुछ मांगू ना बस मांगू थोड़ा प्यार, मैं तो कुछ मांगू ना बस मांगू थोड़ा प्यार। जब से तुझे देखा मेरा दिल है बेकारा। मैं तो सीधा साधा हूँ, क्यों लोग देते हैं गाली? ना जाने क्यों लोग मुझे कहते हैं मावली। पे तेरा ये नखरा अच्छा नहीं यारा लगता है। ए, तुझको लगा लूं सीने से अपने, अच्छा यही बस लगता है। दिल में बसा के